और आगे देखिए इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ बेसिन ऑफ क्राउन गोदावरी। देखिए 1451 ईसा पूर्व राम गोदावरी के शासन काल में वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द राठौर किंग्स एक महानतम जो राठौर किंग थे एक महानतम जो राठौरों के राजा थे एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ तिप्पासुर उन राठौर राजा के समय में तिप्पासुर गांव में एक असाधारण बच्चे ने जन्म लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है असाधारण। एक असाधारण बच्चे ने जन्म लिया। His father was the headman, ठाकुर लोहट। उस बच्चे के जो पिता थे वो एक गांव के मुखिया थे जिनका नाम था ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वॉज हंसा देवी और उसकी माँ का नाम था हंसा देवी। माँ का क्या नाम था बेटा? हंसा देवी। ध्यान रखना बच्चे का जन्म कब हुआ था? इन 1451 AD 1451 ईसा पूर्व। बच्चे के पिता कौन थे? ठाकुर लोहट द हेडमैन ऑफ द विलेज जो गांव के मुखिया थे। उसकी माँ का नाम क्या था? हंसा देवी। ठाकुर लोहट सिंह कौन से गांव के मुखिया थे? तिप्पासुर। तिप्पासुर गांव के मुखिया थे। यहां इनके एक ऐसा वर्ण बच्चे ने जन्म लिया द बॉय वाज कॉल्ड जंबाजी। इस बच्चे को जंबाजी के नाम से पुकारा गया। इस बच्चे को किसके नाम से पुकारा गया? जंबाजी के नाम से पुकारा गया। एज ए लिटिल बॉय ही वाज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। और एक बच्चे के रूप में उसको जो काम मिला वो अपने पिताजी का पिताजी के जानवरों का जो झुंड होता है यानी गाय भैंस और भेड़ों का जो झुंड होता है उस बड़े झुंड को चलाने का उसको काम मिला। उस बड़े झुंड को चलाने का उसको क्या मिला? काम मिला। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग जानवरों को चलने के लिए बाहर ले जाना एक बहुत बड़ा फन हुआ करता था। आनंद का विषय खुशी का विषय जिसमें बहुत मजा आता। लाई इन द शेड ऑफ फैमिली ट्री क्योंकि चरागाह में जाकर खेत में जाकर जंगल में जाकर खेजड़ी के पेड़ के नीचे लेट जाना एंड वॉच हाइट्स ऑफ लेक पर चारे हिरण के झुंडों को देखना। हाइट्स का मतलब झुंड, ब्लेक पर काले हिरण। चंपा जी वॉज फैसिनेटेड बाय द लीफ बेस ऑफ दिस हैंडसम एंटला ऑफ और चंपा जी एक शानदार सुंदर दिखने वाले जो बारह सिंगा होते थे उनको देखकर काफी आकर्षित हुए थे एंड फॉर देम देयर वाज नो साइट मोर एनथ्रॉलिंग देन अ पाइप फिटमेंट टू वेल ड्रॉन स्टैक्स। और उन्होंने सोचा था वो वेस्ट बारह सिंगों के बीच की लड़ाई से ज्यादा रोमांचक और कोई दृश्य हो ही नहीं सकता। यानी सबसे ज्यादा रोमांचक यदि कोई दृश्य होता है तो वो कौन सा होता है? जंबाजी के अनुसार दो अच्छे वयस्क जो
जो बाल सिंह होते हैं उन बारह सिंहों की लड़ाई यानी कि उनकी कुश्ती, वो सबसे ज्यादा अच्छा सीन होता है। When जंबाजी was 25 years old, जब जंबाजी की उम्र 15 साल की हुई, सॉरी 25 साल, When जंबाजी was 25 years old, जब जंबाजी की उम्र 25 साल की हुई, a great disaster overtook the whole region. तो ये पूरा का पूरा जो रीजन था, जो क्षेत्र था, उस पूरे के पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, एक बहुत बड़ा अकाल जिसे हम कहते हैं वो पड़ा। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, और डिजास्टर का मतलब है खतरा भी, तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आफत पूरे के पूरे क्षेत्र पर आ गई, पूरे के पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आफत आ गई। तो आखिर वो आफत आई क्या, क्या आफत थी? आफत ये थी द होल रीजन, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ When they used to come regularly called or seized all together, seized का मतलब होता है बेटा बंद हो जाना। लेखक कहता है जो थोड़ी थोड़ी बारिश रेगुलरली होती थी, जो थोड़ी थोड़ी बरसात निरंतर रूप से होती थी, वो बरसात पूर्ण रूप से बंद हो गई, seized हो गई, रुक गई। The worst suffers for the cattle, और सबसे ज्यादा जो पीड़ित हुए पानी नहीं होने के कारण, बरसात के रुक जाने के कारण, तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन हुए? मवेशी। सबसे ज्यादा पीड़ित कैटल रहे, मवेशी रहे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, जब सूखे का पहला वर्ष था, तो सूखे के पहले वर्ष के दौरान They could eat the bajra straw stored in the houses. सूखे के प्रथम वर्ष के दौरान तो अपने घरों में इकट्ठा किया हुआ जो बाजरा था, उस बाजरे का जो स्ट्रॉ होता है, जो चारा होता है, उनको खाकर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। क्योंकि जब सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने के बाद, सूखा पड़ने के बाद खेत में जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चलने के लिए कुछ था नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो मवेशी हुए। मवेशियों ने कैसे, जैसे जो सूखी का पहला साल था, वो पहला साल को बाजरे का चारा खाकर निकाल दिया उन्होंने, वह बाजरे का चारा जो कि लोग घरों में इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो घरों में इकट्ठा था चारा, उसको खाकर कैसे जैसे उन्होंने निकाला। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा जो साल था इन मवेशियों के लिए वो और भी बुरा था। दूसरा साल बहुत बुरा हुआ। There was not a blade of grass left standing anywhere, कहीं पर भी कोई घास की एक पत्ती तक नजर नहीं आती, यानी पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी घास का एक तिनका तक नजर नहीं आता था, एक ब्लेड तक नजर नहीं आती थी। People had at any tree they could find, लोगों ने क्या किया, जहां कहीं भी कोई पेड़ मिला, उस पेड़ के पत्ते झाड़ लिए। है का मतलब होता है झाड़ देना। लोगों ने क्या किया, जहां कहीं पर भी कोई पेड़ दिखाई दिया, उस पेड़ के पत्ते जो थे उनको झाड़ कर उनको खिलाया। And had the animals on the leaves, और पेड़ों के पत्तों को झाड़ झाड़ कर अपने जो जानवर थे उन जानवरों को खिलाया। But even so there was not enough growth for all hungry animals, लेकिन पेड़ों के भी इतने पत्ते नहीं थे कि सारे के सारे भूखे जानवरों का पेट भरा जा सके। पेड़ों के भी इतने मॉस नहीं थी, इतनी पत्तियां नहीं थी कि समस्त भूखे जानवरों को खिलाकर और उनकी भूख को, भूख से उनको बचाया जा सके। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव इयर्स, और जो सूखा था वो लगातार 8 साल तक चला। ताज्जुब सोचो आप, सूखा लगातार कितने साल चला? 8 साल। और हालात दूसरे साल के कैसे थे,
दूसरे साल के हालात देखे कि कहीं पर भी कोई हरी पत्ती दिखाई नहीं दे दूंगी, लोग जा कहीं भी कोई पेड़ दिखाई देता उसकी पत्तियों को झाड़कर उसकी पत्तियां अपने जानवरों को खिलाकर जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। जब दूसरे साल में हालात ये थे तो बाकी के छह साल कैसे जीवन यापन किया होगा आप कल्पना कर सकते हैं। The people had and had the last bite of foliage from the trees. लोगों ने पेड़ों की अंतिम पत्ती तक पेड़ों को झाड़ते रहे। लोगों ने क्या किया, पेड़ों को तब तक झाड़ते रहे, तब तक झाड़ते रहे जब तक कि उनकी अंतिम पत्ती नीचे नहीं गिरी। यानी अब पेड़ों के ऊपर किसी प्रकार की कोई पत्ती नहीं बची, पत्तियां बची नहीं क्योंकि लोगों ने सबको झाड़कर और अपने जो मवेशी थे उन मवेशियों को खिला दिया। This finally began to dry up. जब पेड़ों पर पत्तियां नहीं बची तो अंत में वो पेड़ भी सूखने लगे। अंत में पेड़ भी क्या होने लगे, सूखने लगे। क्यों, पेड़ में या पेड़ पर पत्तियां भोजन बनाने का काम करती है। जब पेड़ को पोषण नहीं मिलेगा तो पेड़ कैसे जीवित रहेगा। जब पेड़ों पर पत्तियां ही नहीं बची तो लास्ट में पेड़ भी सूखने लगे। When the stored grain was exhausted, जब घरों में इकट्ठा किया हुआ बाजरा खत्म हो गया, वो तो चारा था जो मवेशियों के लिए खत्म हो गया था, लेकिन लोग भी क्या करते हैं कि घर में बाजरा वगैरह स्टोर करते हैं, साल भर का अनाज पहले रख लेते हैं। तो जब घरों के अंदर इकट्ठा हुआ बाजरे का अनाज भी खत्म हो गया, पीपल एक खेतरी पॉट्स, तो लोगों ने भी खेतरी की फलियां खाई। जब बाजरा नहीं था, धान नहीं था, तो खेतरी के ऊपर जो फलियां लगती है जिनकी हम कढ़ी बनाते हैं, वो फलियां खाकर तो लोगों ने टाइम पास किया। एंड ऑफ फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, जो सूखे बेर की गुटियां होती थी, गुटी होती है बेर में, उन बेर की गुटियों का पाउडर बनाया। यानी उन बेर की गुटियों को पीस पीस कर उनका पाउडर बना बनाकर लोगों ने खाया। When this too was exhausted, और जब ये भी खत्म हो गया, ये भी बीत गया, यानी बीज की गुठलियां भी नहीं, बेर की गुठलियां भी नहीं मिली पौधे बनाकर खाने के लिए, they tore the bark of the sangri tree, तो उन्होंने सांगरी के पेड़ों की छाल उतारना शुरू कर दी। और सांगरी के पेड़ों की छाल उतार कर उन सांगरी के पेड़ों को, पेड़ों की छाल को सुखाकर और फिर उसका पाउडर बनाकर खाने लगे, फिर उसका पाउडर बनाकर खाने लगे। और दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग प्लेग बग्स, इसके अलावा लोगों ने क्या किया कि भूखे मरते हुए जो काले मृग थे, काले हिरण, भूखे मरते उन काले एक एक हिरण का शिकार करके खा रहे। अब बेचारे वो भी भूखे थे तो उनसे भी दौड़ा नहीं जाता था, भागा नहीं जाता था, तंगे काटे हुए चलते। तो लोगों ने लास्ट में जब कुछ खाने को नहीं मिला तो एक मतलब जाकर भी कोई प्लेग बग्स दिखता, डियर दिखता, हिरण दिखता, काला मृग, उसका शिकार करके खा गए। एंड फाइनली दे अलाउड दैट ऑल हॉप, और अंत में जब उनकी सारी की सारी आशा खत्म हो गई, अंत में जब उनकी सारी की सारी आशा खत्म हो गई कि अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा यहां, एंड माइग्रेटेड इन मैसेज, तब वो लोग मास में यानी झुंडों के झुंड वहां से पलायन करते। जब तक अनाज तक खाया, अनाज खत्म होने के बाद खेतरी की फलियां खाई,
वो भी खत्म हो गई, जो बेटी जो गुटिया थी उनका पाउडर बनाकर खाया वो भी जब खत्म हो गया, तो सांगरी के पेड़ों की छाल छीन छीन कर सुखा सुखा कर उनका पाउडर बनाकर पकाकर खाया। फिर जब वो भी नहीं मिला तो भूखे मरते जो काले वृक्ष थे उनका शिकार कर करके खा गए। और जब सारी आशाएं खत्म हो गई कि अब इस क्षेत्र में पेट भरना मुश्किल है, तो लोग बड़े बड़ी टोलियों में पलायन करने लगे, यानी कि मारवाड़ को छोड़कर जाने लगे, दूसरे क्षेत्रों में जाकर बसने लगे। 10,000 प्रीस्ट ऑन द वे। और जब लोगों ने पलायन किया, 10,000 मवेशी रास्ते में ही मर गए। 10,000 की तादाद में तो मवेशी जो उन्हें पशुपालक साथ लेकर जा रहे थे, वो दूसरे स्थान पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही मर गए। By now the whole country was barren। अब पूरा का पूरा जो मारवाड़ देश था, जो मारवाड़ का क्षेत्र था, वो बंजर भूमि बन गया, यानी कि बंजर भूमि के रूप में नजर आने लगा। There was not a tree in sight for miles together। ऐसी स्थिति हो गई कि दो दो मील तक कोई वृक्ष दिखाई नहीं देता, दो दो मील तक कोई वृक्ष दिखाई नहीं देता था। By now the whole country was barren। There was not a tree in sight for miles together। Not a single cow or black buck। नहीं कोई एक मात्र काला हिरण और कोई गाय दिखाई देती थी। वरना किसी जमाने में इस क्षेत्र में काले मृगों की अठेलियों के साथ साथ नील गायों को विचरण करते हुए देखा जाता था। आज न तो वहां कोई नील गाय बची थी, न वहां कोई काला मृग था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जंबाजीज फादर विद ह्यूज स्टॉक ऑफ बाजरा। कुछ लोग सिर्फ वहां बचे, यानी जंबाजी के पिताजी जैसे बड़े जो जमींदार थे, जिनके पास बाजरे का स्टॉक ज्यादा था, ऐसे कुछ लोग वहां बचे क्योंकि उनके पास खाने के लिए बाजरे का स्टॉक ज्यादा था। एंड सम ऑफ लास्ट टेक थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। और किसी ने किसी प्रकार से ये 8 साल का जो समय था, इस 8 साल के कठिन समय के अंदर वो अपना जीवन यापन कर पाए। मतलब कैसे, जैसे 8 साल तक वो अपना पेट भर पाए, कैसे जैसे 8 साल तक वो जीवित रह पाए, वो जो सूखे का समय था उस सूखे के समय के अंदर वो कैसे जैसे वहां रह पाए। जंबाजी बहुत मच अफेक्टेड, जंबाजी बहुत मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जंबाजी इस सूखे से बहुत ज्यादा प्रभावित, जंबाजी सूखे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन बीच वेकफुलनेस। कई रातों तक जंबाजी को नींद नहीं आई, कई रातें जंबाजी ने जागते जागते बिताई, खुली आंखों से उन्होंने कई रातें बिताई। बिकॉज ऑफ द सफरिंग इन अराउंड हिम, जंबाजी को कई रातों को नींद क्यों नहीं आती थी, अपने सामने अपने आसपास जो सफरिंग होती थी, जो पीड़ा होती थी, जो कष्ट होता था, उस कष्ट और पीड़ा को देखकर जंबाजी को नींद नहीं आती थी। द डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे, मरते बच्चे, द हॉन्टेड इन डे एंड नाइट, रात और दिन जंबाजी का पीछा करते थे, रात और दिन जंबाजी के जो विचार थे उनके ये इस प्रकार के सपने उनको दिखाई देते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, अंत में 34 साल की उम्र में ही हैड ए विजन, उनको एक दृष्टिकोण मिला।
अंत में 34 साल की उम्र में चंपा जी को एक रास्ता दिखाई दिया, उनको एक विजन मिली। इस अ मैन इन टॉप से कहते विद इज ऑल पावर। चंपा जी ने देखा कि व्यक्ति अपने ही ताकत के नशे में चूर है। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब नशे में चूर। जब चंपा जी ने देखा कि व्यक्ति अपनी ताकत के नशे में चूर है, टेस्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड हिम, और खुद अपने आसपास का जो क्षेत्र है, जो संसार है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। चंपा जी ने इन सारी व्यवस्थाओं को चेंज करने का निर्णय लिया। ऐसा नहीं होगा, कोई व्यक्ति अपनी ताकत का नाजायज फायदा प्रकृति को नष्ट करने में नहीं लगाएगा। तो चंपा जी को एक विचार आया, उन्होंने देखा कि व्यक्ति अपनी ताकत के नशे में और प्रकृति को नष्ट कर रहा है, इस काम को बदलना होगा। एक लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लाइफ। यदि इस निर्जल भूमि पर फिर से जीवन को देखना, यदि इस निर्जल भूमि पर फिर से जीवन को फलाना है, फूलना है, चंपा जी साथ एक मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे। तो चंपा जी ने सोचा व्यक्तियों को अलग तरीके से जीवन यापन करना होगा। यदि इस निर्जन भूमि पर फिर से जीवन को फलाना है, फूलाना है, फिर से जीवन को फलीभूत करना है, तो लोगों को एक अलग नजरिए से काम करना होगा। लोगों को अपना काम करने का नजरिया बदलना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टैक्स एंड बिलीव्स, चंपा जी ने सोच लिया था कि इस निर्जन भूमि पर जीवन तभी फल फूल सकता है जब व्यक्ति एक नई सोच, नई देख, नई बिलीफ और नई आस्था के साथ काम करे। चंपा जी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ केजरी बेर एंड के सांगरी ट्रीज। चंपा जी चाहते थे कि ये मारवाड़ की धरती जो कि आज निर्जल बन गई है, जो कि आज बंजर बन गई है, फिर से ये धरती हरी भरी हो। खेजड़ी के पेड़, सामरी के पेड़, पेड़ के और खेजड़ी के पेड़ों की प्रचुरता इस धरती पर फिर से। He wanted herds of blackbirds to be flowing again। वो चाहते थे कि काले हिरणों के झुंड फिर से इस धरती के ऊपर विचरण करें। And he wanted men to work for this। और वो चाहते थे कि व्यक्ति इन सब चीजों के लिए काम करे, व्यक्ति इस धरती पर फिर से जीवन को फलीभूत करने के लिए काम करे, व्यक्ति इस धरती के ऊपर फिर से हरियाली या हरा आवरण बिछाने के लिए काम करे। चंपा जी न्यू द वे टू अचीव दिस। चंपा जी इस उपलब्धि को हासिल करना जानते थे। चंपा जी को पता था कि किस प्रकार से इस धरती पर इस प्रकार का, या किस प्रकार से इस धरती पर इस प्रकार का जीवन शुरू किया जा सकता है, किस प्रकार से धरती को फिर से हरे आवरण से ढका जा सकता है। एंड इट बिगेन टू ब्रॉडकास्ट दिस मैसेज इन द ईयर 1485। और 1485 के अंदर, वर्ष 1485 के अंदर चंपा जी ने अपना जो मैसेज था, अपना जो संदेश था, उस संदेश को ब्रॉडकास्ट करने का काम शुरू कर दिया। उस संदेश को ब्रॉडकास्ट कर दिया। अंडरलाइन बोलो, इसके बाद में देखेंगे कि उन्होंने कौन सा काम ब्रॉडकास्ट किया था, क्या किया। इसके क्वेश्चन लिखिए बेटा। Thank you.
देखिए क्वेश्चन के जो आंसर है वो साफ साफ होने चाहिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर वन, जंबाजी कौन थे और इनका जन्म कब हुआ था? बच्चे के रूप में जंबा जी को कौन सा काम दिया गया? वाइल्ड वॉच एज ग्रेट फन फॉर टू टैक्स एनिमल्स और ग्रेजिंग। जंबा जी के लिए कौन सी चीज अनफेलिंग थी कि जंबा जी में एज नहीं है बेटी, जंबा जी है और बोलेगा अपनी जंबा।
What happened when Chapati was 25 years old? How was the second year? Last one, what is it? How did people survive? Decided to change. एक बार बेटा तुम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट and tell me how to do that. Thank you, students, for joining the meeting.